हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की बुक देख रहे हैं। चैप्टर है आज का 11, जो कि आपका आखिरी चैप्टर है आज का। चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का मैंने पूरा क्लास चैप्टर फर्स्ट से लेकर 11 तक करवा दिया। आज कंप्लीट हो जा रहा है आपका। इसके बाद सिविक्स या फिर ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट होगा, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और फिर लास्ट में कुछ बात की जाएगी। आइए सबसे पहले देखते हैं लौह स्तंभ के बारे में। कहता है, महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए 7.2 मीटर और वजन की बात की जाए तो 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः अंदाज किया जाता है कि गुप्त वंश के थे, जिसके बारे में आपने पीछे के क्लास में बहुत अच्छे से देखा था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने अभी तक चैप्टर फर्स्ट से लेके 10 तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के मैंने पहले भी बताया है, एनसीईआरटी की सबसे अच्छाई खूबसूरती यही है, हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड रहता है। हर एक लाइन में इतना ज़्यादा पावर रहता है कि वह एक लाइन को आप अगर अच्छे से समझ पाओगे तो 5 या 10 लाइन उनके बारे में आप बता पाओगे। हर एक पॉइंट में इतना ज़्यादा पावर रहता है। आइए देखते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे आकार का हो सकता है, आप जिस तरीके का बनाना चाहो, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे, उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, बुद्ध या उनके अनुयायी जो थे, शरीर के अवशेष जैसे दांत हो गया, हड्डी हो गया, राख हो गया, वह उस डब्बे में रखा जाता था, या नहीं तो अगर वह कोई चीज यूज किए तो उसे रखा जाता था। यह चीज हर एक स्तूप में कॉमन था। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु मंजूषा। ध्यान रखना है, धातु मंजूषा किसे कहते हैं? बुद्ध या उनके अनुयायियों के द्वारा जो यूज किया हुआ सामान या उनके शरीर का जो अवशेष राख कुछ भी था, वह जो रखा हुआ डब्बे में रहता था, उसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से उसे ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदिका। वेदिका किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ध्यान रखना है, रेलिंग से जो रास्ते को घेर दिया जाता था उसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक है, रेलिंग और तोरण जो था, उन दोनों को काफी अच्छे तरीके से सजाया जाता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है, मानचित्र 7 में अमरावती को देखो। अमरावती देखिए, यहाँ पर इस जगह पर आप देख पा रहे हो अमरावती है। आइए अमरावती के बारे में अब कुछ हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए, शिलाओं पर चित्र बनाया गया। कब? लगभग 2000 साल पहले। कहाँ पर? अमरावती में। ठीक है, कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। बनावटी गुफाएं का मतलब आपको लगेगा
इस गुफा को स्पेशली बनाया गया है, मगर ऐसा नहीं होता था। पहाड़ में को ही काट कर एक अलग तरीके से शेप दिया जाता था, एक अलग रूपरेखा उसे दिया जाता था। कह रहा है इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। किनकी? विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं का। कह रहा है मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। कौन सा भाग होता था? गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। या फ्रेंड्स, गर्भगृह किसे कहते हैं? जहाँ पर जिस भी चीज का, जिस भी भगवान का मंदिर है, उस भगवान को जिस जगह पर रखा जाता है, उसे ही गर्भगृह कहते हैं। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, जो कि अभी भी करते हैं फ्रेंड्स, और भक्त पूजा करते थे और अभी भी करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। आपको पता होगा शिखर सबसे ऊंचे वाले पार्ट को कहा जाता है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही सावधानी से बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी ऊंचे वाले जगह पे कुछ बना रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। मंडप, कौन सी जगह? मंडप। यहाँ, माफ कीजिएगा, यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए मैं कुछ आपको पीछे दिखाता हूँ। पीछे का चित्र है, कुछ देखिए। कह रहा है सांची का महान स्तूप कहाँ पर मिला है? मध्य प्रदेश। आपने सुना होगा सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कह रहा है इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने में हुआ था, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ठीक है, देखिए इसी के बारे में बात किया जा रहा है। यह जो आप देख रहे हैं ना, यह निर्माण तो हुआ था अशोक के काल में, मगर यह जो आप देख रहे हैं इसमें जो डिजाइन दिया गया है, इसी के बारे में कह रहा है। यह बाद के काल में, बाद के शासकों के द्वारा हुआ था। ठीक है, और कह रहा है अमरावती की एक शिल्पकृति। यह देखिए अमरावती की एक शिल्पकृति है, मैंने इसे भी आपके लिए ऐड कर लिया था। आइए अब आगे देखते हैं। कहता है मानचित्र 7, यानी पेज फिर से वही 100 पेज में महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढो। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर है महाबलीपुरम, ठीक है, और एहोल की बात की जाए तो देखिए इस जगह पर है एहोल। इन दोनों के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का यह एक आरंभिक मंदिर है, जिसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था, और इसे बनाने के लिए पक्की ईंट और पत्थर का यूज किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। देखिए स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसीलिए आम तौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, उस वक्त राजा राजा ही काफी ज्यादा शक्तिशाली रहते थे। राजा हो गए, व्यापारी हो गए, वही लोग ऐसा सोच सकते थे। नॉर्मल इंसान के तो बस का बात था नहीं। देखिए पहला काम, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम होता था। उस वक्त अभी के जैसा मशीन वगैरह तो था नहीं, इसीलिए कह रहा है फ्रेंड्स काफी मुश्किल होता था।
इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें इमारत की सजावट की जाती थी, उससे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत यानी प्रवेश द्वार तोरण, जिसके बारे में जस्ट पढ़े थे, को बनाने का खर्च दे दिया। मतलब होता है ना कि आप अभी के टाइम में अगर आप देखोगे कहीं पे मंदिर या फिर मस्जिद या फिर गुरुद्वारा चर्च कुछ भी अगर बन रहा है, तो ऐसा हो सकता है आप चाहो अगर मंदिर बन रहा है तो आप वहां पर आप अब वहां का जो दरवाजा होता है उसका आप रिस्क ले लो, इस मंदिर में जो दरवाजे का खर्च आएगा वो मैं दूंगा। हर जगह मंदिर मस्जिद चर्च में गुरुद्वारे में हर जगह ऐसा आप कर सकते हैं, आप देना चाहो स्वेच्छा से तो आप वहां पर दे सकते हैं। कहता है इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। आइए अब चित्रकला के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कह रहा है कि अजंता को ढूंढो, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। जी हाँ फ्रेंड्स, विहार के बारे में आपने पीछे क्लास में काफी अच्छे से देखा, विहार किसे कहते हैं। इनमें से कुछ चित्रों को, माफ कीजिएगा, इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके लिए इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में, मतलब जो मसाल जलता था ना, मसाल की रोशनी में, ताकि वो काफी देर तक जले और अच्छे से लाइट करे और वहां पे लाइट रहे, रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग लगभग 1500 साल के बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों के से बनाए जाते थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। फ्रेंड्स अभी सोचिए, आप घर में रंग पेंट करवाओगे या कहीं पे कुछ काम करवाओगे ना, 10 साल होते होते आपको पता चलेगा कि जो रंग है वह हटने लगता है, अपना कलर छोड़ने लगता है। मगर 1500 साल पहले जो चित्रकला चित्रकारी की गई थी, वह आज भी उसी तरीके से, उसी 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 के जैसे, पहले नए के जैसा अभी भी चमकदार है वह। आइए अब पुस्तकों की दुनिया, पुस्तक के बारे में कुछ जानते हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की, किसने की? इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे बहुत प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने उनका विनाश कर डाला। देखिए यह जो है लगभग 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना जो इलांगो नामक कवि ने की थी, उन्हीं के अनुसार यह कहा गया था, उनके अनुसार यह रचना की गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी।
उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। कब? लगभग 100 साल पहले। पांडुलिपि क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने आपको स्टार्टिंग के ही चैप्टर में बताया था पांडुलिपि क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज फ्रेंड्स आप सारे वीडियो को एक बार देख लीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एनसीईआरटी का हर एक क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर अगर मैं बताऊं पांडुलिपि के बारे में, तो तारपत्र जो कि हिमालय के क्षेत्र में उगने वाला एक पेड़ था, कौन सा? भुर्ज नामक पेड़। उसी के छाल को विशेष तरीके से तैयार करके उसे एक पेज की तरह बनाया जाता था, उसे ही पांडुलिपि कहा जाता था। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में आपने चैप्टर पीछे के चैप्टर में पढ़ा था, वह संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। आइए आप आगे देखते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। किसमें? पुराण में। पुराण के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। किसमें? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी, अनुमति नहीं थी, वह भी सुन और वह भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य, महाभारत और रामायण, लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इस कहानी से जरूर परिचित होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, शायद आप जरूर सुने होंगे रामायण और महाभारत के बारे में। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी कहाँ पर? हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में मानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। कब लिखी, कब गई थी? 1500 साल पहले। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भी भगवत गीता है, महाभारत में ही, माफ कीजिएगा, भगवत गीता है, जिसके बारे में आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। किनके बारे में है? रामायण राम के बारे में है। उनके पिता, फ्रेंड्स यहाँ पर एक दो लाइन छूट गया, जैसे मैं आपको बता देता हूँ उनके पिता के बारे में, ठीक है। उनके पिता आप जानते होंगे, नहीं जानते मैं आपको बता रहा हूँ। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, और वन में उनकी पत्नी, जिनका नाम क्या था? सीता, को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी, और वह विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की ही तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में कह सकते हैं आपकी लिखित रूप दिया गया था। और संस्कृत रामायण के जो लेखक हैं, जो लिखे हैं, वाल्मीकि हैं, उन्हें वाल्मीकि को ही माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। माफ कीजिएगा, उस लाइन को मैंने ऐड नहीं कर पाया। आइए अब देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। कहता है, इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में यह सब पहले ही लिख दिया था, ठीक है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली, जो लगभग उतना ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराह मिहिर
ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ तथा खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोज की थी। ठीक है, इसके बारे में कह रहे आपको पता लगाने, मैं उनके बारे में स्पेशल एक छोटा सा ही सही लेकिन वीडियो लाऊंगा, तब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, नहीं तो आज का पता चलेगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आइए आप देखते हैं शून्य और आयुर्वेद के बारे में। कहता है, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के वैज्ञानिकों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। और अगर आयुर्वेद के बारे में बात किया जाए, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत से विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, कौन? चरक, जो कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुश्रुत, जो कि चौथी शताब्दी ईस्वी में वह दोनों थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्री सुश्रुत संहिता में उन्होंने सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों को विस्तृत वर्णन किया है। माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइन कट गई थी जिसकी वजह से मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अंधेरा हो चुका है मेरा जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत विवरण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हम लोग हर एक क्लास के लास्ट में देखते हैं। कहता है, स्तूप निर्माण की शुरुआत बात की जाए तो 2300 साल पहले, अमरावती के बारे में बात किया जाए तो 2000 साल पहले, कालिदास जो कि 1600 साल पहले थे, लो अस्तम जिसके बारे में आपने देखा, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, और आर्यभट्ट जो कि 1500 साल पहले थे, और दुर्गा मंदिर के बारे में बात किया जाए तो 1400 साल पहले था। तो फ्रेंड्स, आज आपने एनसीईआरटी हिस्ट्री का बुक देखा, चैप्टर 11 था आज का। यह बुक आ गया आपका, 6 का बुक खत्म हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सिविक्स या फिर ज्योग्राफी का होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, अगर अच्छा लगे लाइक करिएगा, कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करिएगा, चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें जिस भी चीज़ के बारे में दिया गया, चाहे वो शून्य हो चाहे वो आयुर्वेद हो, हर एक क्लास आपके लिए आएगा, चाहे वो 5 मिनट का हो या 10 मिनट या 15 मिनट का लगे, हर एक क्लास आपके लिए आएगा। इस बुक को मैंने आपको अच्छे से बताया, जहाँ तक मेरे से पॉसिबल था मैंने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा अच्छा कुछ करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कुछ सजेशन देना होगा तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको पता है, चाहे वह सी टेट हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, या फिर बीपीएससी, यूपीएससी, या फिर किसी भी स्टेट का अगर एग्ज़ाम हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से। और यह 6 क्लास की बुक है, इसीलिए मैंने इसे बहुत ही बच्चे की तरह बताया। ठीक है, जिस जिस तरह से आपका बुक का लेवल हाई होते जाएगा, आपको उस तरीके से बताया जाएगा। मैंने यूट्यूब पे देखा है, बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, मगर बहुत सारे लोग को दिक्कत होती है कि उसे बहुत ही सिंपल वे में बताया जाए। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ही सिंपल और बहुत रुक रुक कर तोड़ तोड़ कर बात को मैंने बताया। अगर फास्ट बोलने की बात की जाए तो मैं इतना फास्ट बोल कर आपको समझा सकता हूँ जो शायद आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि कहानी सुनने से अच्छा था कि धीरे धीरे तोड़ कर बताया जाता, मैंने वैसा ही कोशिश किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप अपना राय जरूर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।